सुनिए भाई साहब, जरा सुनना। बोलिए। जरा एक मिनट, वो कलकत्ता जाने वाली गाड़ी क्या लेट है? 352 डाउन। हाँ लेट है। ओ, मगर कितना लेट है भाई साहब? सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, देर होगी। ओ, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। मालूम नहीं। ट्रेन लेट है क्या? हाँ। यहाँ हमेशा ऐसा ही होता। मतलब इस लाइन पे ट्रेन इरेगुलर ही चलती है? बता रहा था कि आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ है। तब तो फिर और भी लेट होगी। सुनिए, आप इधर ही रहती हैं? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती हूँ, पर स्टेशन यही पड़ता है। तो आप भी कलकत्ता जा रही हैं? नहीं, मेरे बाबा आ रहे हैं और फिर इसी ट्रेन से कलकत्ता जा रहे हैं। तो उनसे मिलने आई हो? हाँ, बस 2 मिनट के लिए। बस एक झलक देखोगी, दो बातें करोगी, बस। हाँ। यहाँ ट्रेन भले लेट चलती हो मगर जगह है खूबसूरत। आपको अच्छी लगी? हाँ बहुत। क्यों, आपको नहीं पसंद? मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। यहाँ मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, और आप वहां से आई हैं अपने बाबा को देखने को, बस एक झलक। वैसे यहाँ की बस सर्विस काफी अच्छी है, बस थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है। थोड़ी भीड़? यहाँ तो छत पे बैठ के सफर करना पड़ता है। वो देखिए, आप कभी बस की छत पे बैठे? नहीं, मतलब अंदर इतनी भीड़ होती है कि दम घुटने लगता है,
छत पर बैठकर सफर करना ही बेहतर। वैसे कलकत्ता की बसों में भी कुछ कम भीड़ नहीं होती। तो आप कलकत्ता जा चुकी हैं? मेरा जन्म कलकत्ता में ही हुआ और पढ़ाई लिखाई भी वहीं। यहां पिछले 3 सालों से हूं। मैं तो आज ही आया हूं, सुबह सुबह की ट्रेन से। ट्रेन लेट थी क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। मैं वहां कलकत्ते में ही रहता हूं, इस गाड़ी से वापस जा रहा हूं। यहां कैसे आए आप? मैं एक अखबार में काम करता हूं, प्रेस फोटोग्राफर हूं, इसी सिलसिले में आया। यहां आप विजयगढ़ तो जरूर गए होंगे। आपको कैसे मालूम? यहां जो भी आता है विजयगढ़ जरूर जाता है। फिर तो आप उस बच्चे से भी मिले होंगे। बहुत मुश्किल से, इतनी भीड़ थी वहां पर और पैसे दिए बगैर कमरे में जाना नामुमकिन। बाहर एक पहलवान खड़ा हुआ था तिलक लगा के, जिससे जितना मिलता था ले लेता था, मगर 5 रुपए से कम नहीं। आपने भी पैसे दिए? दिए 10, मतलब देने पड़े। फिर तो आपका भी भविष्य बताया होगा उसने। भविष्य मेरा? मेरे भविष्य में कुछ नहीं है, इट्स टोटली ब्लैंक। आप इतनी दूर आए सिर्फ कुछ घंटों के लिए? हाँ, नौकरी है, फोटो लेने आया था, और ये फोटो अखबार में छपेगी। नीचे लिखा होगा, देवता का पृथ्वी पर अवतरण। हाँ, उस पहलवान की अच्छी कमाई होगी। आप नहीं गई? कहाँ? ओह नहीं, मैं नहीं गई। क्यों, जानने की इच्छा नहीं होती क्या? क्या? अपना भविष्य? नहीं, मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचती। हाँ, आज भी सताएगी, ऐसा ही लगता है। मगर आपको तो इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप तो कलकत्ता पैदल ही चले जाएंगे। अगर मुमकिन होता तो चला जाता। पापा ने लिखा आने के लिए, 3 साल से नहीं मिली। लेकिन आप तो बता रही थी कि 3 साल से आप यही हैं। हाँ, कलकत्ता छोड़ने के बाद वापस नहीं गई। गई नहीं या जा नहीं सकी? गई नहीं। मतलब ये जगह बहुत पसंद आई आपको? और कोई चारा भी तो नहीं था। मतलब? देखिए ना, देखिए ये सब कितना सुंदर है, कितनी सुंदर जगह है। ये ऐसी आपको मिलेगी कहीं कलकत्ता में? आपको मिलेगी कहीं? बस थोड़ी सुनसान है बस। शायद
शायद आप अकेला रहना पसंद करती हैं। मैं तो समझी थी आप उल्टा ही कहेंगे। क्यों? ये कि बस कोई मिलते ही मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। ठीक कहा आपने, आप भी कुछ कम नहीं। अगर कहीं चाय मिल जाती तो अच्छा होता। देखता हूँ शायद यहीं कहीं। शायद वो कोने की दुकान में मिल जाए। मैं अभी आया। इसे इधर छोड़ के जा सकता हूं? कंधा दर्द करता है। बहुत भारी है क्या? नहीं। आप यही है ना? जी। एक ही दुकान है, उसने कहा इंतजार करना पड़ेगा, पहले चूल्हा जलाएगा फिर चूल्हा जलेगा फिर पानी। क्या हुआ? मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूं। मुश्किल? मैं आपको बताना नहीं चाहती थी लेकिन आपके जाने के बाद लगा जैसे आपको बता सकती हूं। बैठी ना। मैंने आपको बताया कि मेरे
बाबा इसी ट्रेन से आने वाले हैं। हाँ यही तो बताया आपने। मतलब इसी ट्रेन से कलकत्ता जा रहे हैं। हाँ और 3 साल बाद मुलाकात हो रही है। उन्होंने हमें स्टेशन पर आने के लिए लिखा था। हमें मतलब? मतलब हम दोनों को। दोनों कौन? मतलब मुझे और मेरे पति को। तो फिर वो कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं। हम दोनों ने घर से भागकर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की और शादी के बाद इस गांव में आ गए। तो इस गांव में कोई रिश्तेदार? नहीं, यहाँ हमारा कोई घर बार कोई जान पहचान वाला नहीं था। तो ये सब जानते हुए भी आपने शादी की? मैंने कोई परवाह नहीं की। फिर हमने यहाँ गृहस्थी बसाई। मैंने प्राइमरी स्कूल में नौकरी की। और वो? वो कुछ नहीं करते थे, शायद कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। मैंने बहुत बार कहा लेकिन फिर कुछ नहीं। फिर 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन ऐसी छोटी सी झड़प जैसे दो लोगों में होती है और फिर वो घर छोड़ के चले गए। और 2 साल से आप? मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब आपके माँ बाप को पता चला तो वो? मैंने उन्हें बताया नहीं। क्यों? शर्म की बात थी ना। वो तो हमेशा सोचते रहे हम दोनों बहुत खुश हैं। बाबा तो शायद अब भी यही सोच रहे होंगे। मगर आपने बताया कि आपके बाबा ने आपको चिट्ठी लिखी, उन्हें पता कहां से मिला? पता नहीं, लेकिन चिट्ठी लिखना बहुत जरूरी था। क्यों? मेरी माँ गुजर गई, इसलिए बाबा को लगा कि ये सब मुझे बताना बहुत जरूरी है। बाबा भी टूट गए होंगे। वो मुझ पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत। फिर भी उन्होंने पिछले 3 सालों में आपकी कोई खोज खबर करने की कोशिश नहीं की? शायद बहुत भरोसा करते थे इसलिए। सुनिए, आप मेरा एक उपकार करेंगे? आप इसी ट्रेन से जा रहे हैं ना? हाँ। आप मेरे साथ रहेंगे, मतलब बाबा के सामने? बाबा हम दोनों को एक साथ देखेंगे, आप समझ रहे हैं ना? मैं बाबा को दुख नहीं देना चाहती, उनकी नजर में सुखी रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं? बाबा ने उन्हें नहीं देखा, सिर्फ माँ ने देखा था। लेकिन आप तो यहाँ अकेली आई थी अपने बाबा से मिलने। मैंने सोचा था मैं झूठ बोलूंगी लेकिन फिर उनके मन में एक कसर रह जाती।